केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हुआ। जनवरी 2023 में लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक को देंगे मेगा सौगात। चिम्बालुपुर में श्री मधुसूदन साई संस्थान का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन का भी करेंगे शुभारंभ। व्हाइटफील्ड कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। बेंगलुरु को गृहमंत्री अमित शाह ने दी 1400 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्वागत में बनाई गई जलते दियों की आकृति। 11,000 दीपक का किया गया इस्तेमाल। आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक नृत्य कर जाहिर की अपनी खुशी। नवरात्र पर काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मेगा सौगात। 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। 19 परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। 9 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। वाराणसी को पीएम मोदी ने दिया देश के पहले शहरी परिवहन रूपे सेवा का तोहफा। प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा कि रोपवे से काशी का आकर्षण और भी बढ़ेगा। कनेक्टिविटी बढ़ने से काशी का होगा विकास। सीवेज प्लांट और सिग्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण की पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। बनेगा फुटबॉल मैदान, लॉन्ग टेनिस, वॉलीबॉल और कबड्डी का कोर्ट। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का किया आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधन। पीएम ने टीबी के खिलाफ जन भागीदारी को भी बताया अहम हथियार। कहा देश में नई सोच के साथ टीबी के खिलाफ काम किया। पीएम योगी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं देश। देश को 2025 तक टीबी मुक्त का बनाने का है संकल्प। शुक्रवार को लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। बिना बहस फाइनेंस बिल पास। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अन्य दलों के साथ मार्च। जेडीयू ने बनाई दूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सियासत में लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय का बड़ा एक्शन। संसद सदस्यता रद्द करने का जारी किया आदेश। राहुल गांधी को नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी गई। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल को सुनाई थी 2 साल की सजा। सजा की वजह से गई है सदस्यता। लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर राहुल की पहली प्रतिक्रिया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी शनिवार दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद की सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया से होंगे रूबरू। राहुल गांधी मामले पर कांग्रेस मुख्यालय में हुआ महामंथन। सोनिया प्रियंका खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। आगे की एक्शन प्लान पर हुई चर्चा। लोकसभा वेबसाइट से हटा दिया गया राहुल का नाम। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर खड़गे ने जताई आपत्ति। कहा राहुल को सच बोलने की मिली है सजा। लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, विपक्ष की आवाज दबाने की कर रहे हैं कोशिश। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरी है। सवाल उठाने वालों को केस लाद दिए जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, सरकारी संस्थानों का किया जा रहा है दमन, हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है बीजेपी। न्यू इंडिया में निशाने पर है विपक्ष। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, देश को तबाह कर रहे हैं मोदी। किसी को जेल भेजा जा रहा है तो किसी की सदस्यता की जा रही है रद्द। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर बोले उद्धव ठाकरे, देश में चोर को चोर कहना हुआ अपराध। चोर लुटेरों अब तक आजाद, राहुल को सजा हो गई, ये लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर साधा निशाना। कहा